टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अरे इतनों को सुनते हो, थोड़ा हमें भी सुन लो। और ये सुन के ना घबराना नहीं है। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 ये मजेदार शो है, काफी अच्छा फ्लो है, शो काफी फास्ट है, गाना थोड़ा स्लो है, होस्ट करेंगे थोड़ा रोस्ट करेंगे, जो पसंद आ जाए उसे पोस्ट करेंगे। बाय, मैं कुछ बोल लूं? बोल ले बेटा। शुक्रिया। हम बात भी करेंगे, दो हाथ भी करेंगे, और लाइट भी करेंगे, और राइट भी करेंगे, हम काम भी करेंगे, हम नाम भी करेंगे, सब शोर भी करेंगे, वंस मोर भी गाएंगे। यार आदि तू तो अच्छा कर रहा है यार। कैमरा ट्रिक है फैजू। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 कुछ दोस्त भी होंगे, दो होस्ट भी होंगे, क्यूट मोस्ट भी होंगे, फिर टोस्ट भी होंगे, सारा फैंस का करम है, यही अपना भरम है, कुछ जोक्स हैं ठंडे पर शो ये गरम है। आम आदमी आएगा, 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 कहानी सुनाएगा, 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 टैलेंट भी आएगा, 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 चांद लगाएगा, मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। ये तो बहुत ही मजे का है यार, किसने बनाया मेरा अंडे वाला बर्गर? गुड इवनिंग एवरीवन, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और मैं हूं फैजान शेख। सबसे पहले तो आप सबको जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन एक अहम शहरी की तरह, एक जिम्मेदार शहरी की तरह, प्लीज इस दिन को अपने घर पर मनाइए, अपने घर वालों के साथ मनाइए, और कोशिश कीजिए जो आपके बच्चे हैं उनको इस बारे में बताइए कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बाइक का साइलेंसर निकालकर शोर मचाना बहुत आसान होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इस दिन की इंपॉर्टेंस को समझिए और समझाइए, आपके लिए भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी। लेकिन बात हो रही है मजे की, क्योंकि ये शो है मजेदार, और जब मजे की बात होती है तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे। आदि आदि रंजन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आदिया? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए, जश्न आजादी जो हो रही है माशाल्लाह से, इस पे आप क्या करते हैं? इसमें मैं कुछ नहीं करता, मैं भी अपनी बाइक का साइलेंसर तो नहीं निकालता, लेकिन मेरी बाइक की आवाज वैसी इतनी है कि मैं लोगों को हिलाता नहीं। लेकिन आप जो बाइक राइड करते हैं, हाँ, उसमें एक अवेयरनेस शामिल होती है। बिल्कुल होती है। आप पूरे ग्रुप को लेके जाते हैं, उसमें पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं। बिल्कुल, दैट इज फॉर अवेयरनेस। बिल्कुल, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा था जो कि साइलेंसर निकाल के सीवी पे बिला वजह शोर मचा रहे होते हैं। हां भाई, यही होता है ना, देखें घर में शोर मचाते हैं, कभी अम्मा चमाट मार देती है, कभी बेगम चमाट मार देती है, कभी बच्चे वाल खींच लेते हैं, तो कम से कम बाहर तो शोर मचाए ना यार। जब से तुम आए मैं तुम्हारी जैकेट देख रहा हूं, बहुत अच्छा है, जबरदस्त। असल में ये आजकल ट्रेंड चल रहा है कि आप इस तरह की चीजें पहने। ट्रेंड से मुझे याद आया, देखें जी, कुछ लोग होते हैं जो ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं। जैसे कि हम लोग ट्रेंड फॉलोअर्स हैं। हम नहीं, सिर्फ आप। तुम ट्रेंड फॉलोअर नहीं हो? नहीं, मैं गर्ल फॉलोअर हूँ। ठीक है, आपको पता है आदि मौजूद हैं तो इस तरह की बातें करते रहेंगे। लेकिन आज जो हमारी गेस्ट हैं, अच्छा, वो ट्रेंड सेटर है। ओह, वन ऑफ द मोस्ट फेमस खान्स ऑफ पाकिस्तान। ओह अच्छा अच्छा, ये मैंने तुम्हें क्यों दिया है? मैं समझ गया भाई, इतना टाइम हो गया शो करते हुए। शाहरुख खान। मैंने कहा पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। सलमान खान? अरे पाकिस्तान यार, मैंने कहा वन ऑफ द मोस्ट फेमस खान ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कोई ऐसी शख्सियत है जो पाकिस्तान में पैदा हुई है और पाकिस्तान की है? हाँ, और खान मतलब यार, तो इतना आसान कर दिया मैंने। समझ गया। हाँ। गुलाब खान। गुलाब खान कौन है? मेरा चौकीदार। और उसने क्या ट्रेंड सेट किया है? वो नाड़े, वो शीशे वाले नाड़े पहनता है वो। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी हस्ती की जिन्होंने ट्रेंड सेट किया है पाकिस्तान में, उनका सरनेम खान है, इतना आसान है ये। ट्रेंड सेट किया है? अच्छा, मैं तुम्हें एक और, होस्टिंग का ट्रेंड सेट किया है मायरा खान। मायरा खान ने कब होस्टिंग की? ये मैंने खुद देखी है। कहाँ देखी है? मेरे ख्वाबों में आई थी, मेरी बच्चे की दूसरी सालगिरह थी, माइक पकड़ के कंपेयरिंग। अगर आदि से हम ये बात गैस कराते रहे तो मेरे ख्याल से शो खत्म हो जाएगा और हमारी गैस नहीं आ सकेंगी। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड होस्ट्स एवर इन पाकिस्तान, जिन्होंने ट्रेंड सेट किया ना सिर्फ मॉर्निंग शो का, बल्कि शो होस्ट कैसे करते हैं उसका भी। आप सबकी भरपूर तालियों में, जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे। नादिया खान।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द मजेदार शो। और गेस नहीं किया मेरा नाम, बताइए आप क्या चीज़ याद है कि आप आने से पहले 500 रुपए लिए आपसे? नहीं मैं हाँ, मतलब ये लिए थे, हमने बातें की, तुम भूल गए? मैं तो ऑफेंड हो गई भाई, ऑफेंड हो गई आने से पहले, ऑफेंड। चलो मैं आपको एक कॉफी और एक डोनट खिला दूंगा। नहीं मुझे जैकेट दो। आपको पसंद आई ना जैकेट? अरे आंखों में लग रही है। वो मेरे ना बेटे के स्कूल में कॉस्ट्यूम पार्टी है ना, उनको कार्टून बन के जाना है, तो मैंने कहा ये तो होगा। ये तारीफ सी नहीं लगी मुझे, कुछ थी भी नहीं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मैं बताऊँ तारीफ है मेरे पास, वो ये कि जो टाइटल में तुम लोगों ने रैपिंग किया ना बॉयज, इट्स सो कूल। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप बताएं कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्लाह का। लोग आगे जा रहे हैं जिंदगी में, आप रिवर्स में कैसे छोटी क्यों होती चली जा रही हैं? आप क्या कर रहे हैं ये मुझे बताइए। देखो ये जब मैं छोटी थी तब सब समझते थे मैं बहुत बड़ी हूँ, हमेशा मेरी बड़ी बहन साथ होती थी, सब कहते थे कि मैं बड़ी हूँ वो छोटी है, तो मेरे साथ बचपन में बुरा हो चुका है, अब अच्छा भी तो होना है ना, जरूरी है। अब अच्छा गुस्सा आ गया। इत्तेफाक है जितने लोग इस दफा इस सीजन में हमारे पास लोग आ रहे हैं वो सब माशाल्लाह फिटनेस को लेकर इतने सीरियस हो गए। कर्टन रेजर में हमारे साथ फैसल भाई थे, अचानक से श्रिंक हुए और मैं अभी कुछ अरसे पहले इनके शो पर गया था, मुझे आप उससे भी ज्यादा माशाल्लाह ट्रिम लग रही है, सो वेल डन। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फैसल एजाज ये हमारे कुछ ऐसे लड़के हैं, इनका समझ नहीं आ रहा। हमायों अच्छा जी मुझे ये बताएं कि आपने एक जगह होस्टिंग की है और आपने बहुत सारी एक्टिंग भी की है, ज्यादा मजा किस चीज में और क्यों? एक्टिंग में, एक्टिंग में ज्यादा मजा है, एक्टिंग में मजा बहुत आता है। होस्टिंग में तो मैं नॉर्मल जैसे बात कर रही होती हूँ, बस बात कर रही होती हूँ, पता नहीं चलता। एक्टिंग में मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ बिकॉज आई गेट टू प्ले दिस समवन एल्स पर्सन, जो भी उसकी लाइफ है उसका कैरेक्टर, आई एंजॉय दैट अ लॉट, एंड स्पेशली कॉमेडी। मैंने जितना डॉली डार्लिंग लाइफ में एंजॉय किया ना, वो तो ऑब्वियसली आपकी आपकी माशाल्लाह टाइमिंग बहुत अच्छी है, यू अंडरस्टैंड कि जोक को डिलीवर कैसे करते हैं। भैया तुम्हें बात समझ आई? मुझे समझ पता था, मुझे कभी बाकी लोगों को क्यों नहीं समझ, क्यों समझ में नहीं आती लोगों को? मुझे इतनी लेट कॉमेडी ऑफर हुई है कि मैं हैरान हूं। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को शायद ये परसेप्शन था कि आप शायद एक्टिंग ना करना चाहती हूं, ऐसा भी कुछ था बीच में? बीच में हां, मैंने तकरीबन 15-16 इयर्स नहीं एक्टिंग की, लेकिन उससे पहले भी मुझे कभी ना कॉमेडी नहीं ऑफर होती थी, और मुझे अगर कॉमेडी का पता होता ना तो मैं बीच में कर लेती कोई प्रोजेक्ट, लेकिन मुझे ये फैक्ट है मुझे कभी कॉमेडी नहीं ऑफर हुई। बट ये जो 15-16 साल आपने मेंशन किए, क्या ये बाय चॉइस थे कि आपने नहीं करना था काम? नहीं मैं दुबई चली गई, वहाँ फिर ड्रामे का आना करना, फिर मॉर्निंग शो शुरू हो गया, उसके बाद टाइम ही नहीं था। कभी बैरून मुल्क से आपको कोई ऑफर आई? किसने फोन किया इनता हबीब या एक्ट्रेस ड्रामा आया क्या? दुबई में तो अरबी हो, तो दुबई में तो रह रही थी ना, तो वो बैरून मुल्क थोड़ी हुआ। अच्छा सॉरी सॉरी जी, ऑफर में दोबारा सुनना चाहूंगा, क्या था? मैं आपको अलग से बताऊंगा मैं आपको तो मुझे बताएं बैरून मुल्क से कोई ऑफर आई, आपने क्या सोचा? बिल्कुल मिलना जुलना था, शोज पे लोग आते थे, इंटरेक्शन थी, बिल्कुल थी ऑफर, सबको पता भी है। फिर शोएब मंसूर ने भी बोल फिल्म के लिए कहा था, लेकिन बस समहाउ नहीं कर सकी फिल्म। क्यों नहीं किया आपने बोल फिल्म? मैं जानना चाहता हूं, बात यही रोक दें, क्यों नहीं किया आपने? अगर आप कर लेती तो मेरे ख्याल से शो फिल्म का कुछ भला हो जाता। नहीं बाकी बहुत अच्छा होता, बस चक्कर ये था कि उस वक्त आई वाज मैरिड एंड माय हस्बैंड डिड नॉट अलाउ मी, और बहुत बड़ा एक हंगामा था कि नहीं करनी फिल्म, नहीं करनी। हालांकि मैंने कहा ना डांस है ना कुछ है, बस क्या होता है कि इट हैड अ वेरी स्ट्रांग सोशल मैसेज टू इट। करेक्ट, बिल्कुल था, लेकिन वो घर में इतना प्रॉब्लम था, कंफर्ट लेवल वो वाला नहीं था। हां जब आप मुझे होता जब आप फैमिली में, आपकी फैमिली खराब नहीं होनी चाहिए। मुझे मैंने लाइफ में इतना सैक्रिफाइस किया ऑन द वर्क दैट आई वांटेड टू डू दैट वाज ऑफर्ड टू मी, और मैं हमेशा नहीं अब्बा को पसंद नहीं आएगा, नहीं मेरे बहनोइयों को क्या बात क्या सोचेंगे, नहीं फलां ये, क्योंकि मैं 90s के भी काम का हिस्सा रही हूं, उस वक्त बड़ा कंजर्वेटिव थिंकिंग थी। बहुत सारी चीज़ों को मैंने लाइफ में ना किया, सिर्फ ये कि घर वालों को ना बुरा लग जाए, वरना मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। लाइक यू मेंशनड कि आपने 90s में भी काम किया, फिर 2000s में, और अब सब कुछ आपने पूरा ट्रांजिशन देखा है हमारे कंटेंट के हवाले से भी, जिस तरह से हमारी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, टीवी बदल गए। हाँ एग्जैक्टली, तो इसमें क्या ट्रांजिशन में क्या फील होता है आपको? पहले काम बेहतर था, अब अच्छा होता है, बीच में अच्छा हुआ क्या? पहले काम बहुत अच्छा था शुरू में, अगर मैं बात करूँ 90s में अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, बट बहुत कम थे, बिल्कुल बहुत कम काम था, तो उससे आपका ना ग्रोथ नहीं ग्रो नहीं हो सकती थी इंडस्ट्री, वही 3-4 लोग। अच्छा फिर फैमिलीज़ को भी मसला अपने बच्चों को भेजने में, पता नहीं यानी अच्छी फील्ड नहीं, अच्छी फील्ड नहीं, तो वही 3-4 लोग बार 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 तो धक्के दे रहे हैं लोग, जाओ हाँ जाओ करो मीडिया में चले जाओ बेटा, कुछ नहीं कर रहे जाओ मीडिया नहीं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें चले जाओ। अच्छा शादियाँ नहीं होती थी एंकर्स या एंकर्स, तो क्या बेसिकली एक्टर्स के साथ बड़ा मसला अपने साथ हुआ है मेरे। हाँ पूछा गया आप क्या करते, मैंने कहा मैं एक्टर हूँ ना, वो तो ठीक है करते क्या है जी, मतलब मैं तो मतलब ठीक है, नहीं उस वक्त नहीं नहीं माना, नहीं नहीं अब माशाल्लाह लोगों को पता चल गया है कि भाई मेरा भी एक आर्टिस्ट मेक गुड मनी, उनकी इतनी रिस्पेक्ट है और ठीक ठाक संभाल लेंगे, बल्कि बहुत सारे प्रोफेशन से ज़्यादा रिलायबल है प्रॉब्ली, ठीक है अल्लाह करे ऐसा ही हो।
मेरा भी एक जगह रिश्ता हुआ था वैसे, होने लगा था, होने लगा था। मैंने कहा कि आप क्या करते हो बेटा, मैंने कहा आपकी बेटी को प्यारी नजरों से देखता रहता हूं। उसके बाद एक कट लगा और हम रोड पे खड़े हुए थे, बीच का उन्होंने दिखाया नहीं, बीच में कुछ गलत हुआ होगा तुम्हारे साथ। क्योंकि उस वक्त मैंने उनको कहा मैं एक्टिंग करता हूँ और एक्टिंग का काम तो था नहीं, तो उनको लगा बस ये घर भी करता रहता है, तो इस वजह से उन्होंने मुझे निकाला। वेरी गुड। आपको जब एक स्क्रिप्ट ऑफर होती है तो आप उसमें हाँ या ना करने में कितनी देर लगाती हैं और क्या देखती हैं? डायरेक्टर, को स्टार्स, मेरा कैरेक्टर कितना अच्छा है या क्या मैसेज है इसमें, हाउ डू गो अबाउट? या पैसे? हाँ पैसे ऑब्वियसली, दैट इज पैसे वुड बी द सेकंड थिंग, बट यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। हाँ बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज मुझे नहीं कर सकते अफोर्ड, जो फिर नहीं है तो मैं काम नहीं करती। ठीक है, कोई मसला ठीक है ना, ये क्योंकि इतना टाइम, मुझे लगता है टाइम एंड एफर्ट इज मनी। शौक में हमने बड़े काम कर लिए, ठीक है, अब बड़ा सीरियस ही बात है कि आप कम ही काम कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं यू शुड बी पेड फॉर इट प्रॉपरली, जिंदगी लगा दी। और इतनी एक बड़ी जबरदस्त बात है कि व्हेन यू गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। हाँ तो वेरी गुड। तो वो उसमें अल्लाह का शुक्र है वैसे, लेकिन जो भी मुझे अप्रोच करते हैं उनको पता होता है कि यार ये जरा हमने सही प्राइस के साथ जाना है, सही बजट के साथ जाना, हाँ बजट जेब में है तब जाएंगे। तो माशाल्लाह व्हेन दे अप्रोच मी दे नो कि, तो वो मेरा बुरा एक्सपीरियंस। तो आप मना कैसे करती हैं, ना कह देती हैं या कोई बहाना करती हैं या बोलती हैं अच्छा मैं बताती हूँ और फोन बंद कर लेती हैं, मना कैसे करती हैं? नहीं मुझे, मैंने बताया ना मुझे अप्रोच ही नहीं करते ऐसे, आते ही नहीं हैं वो आते ही नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, मैंने तो उसका पूछा जो आते हैं मेन, ये कि स्क्रिप्ट में मैं देखती हूँ स्टोरी क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है ऑफकोर्स, और डायरेक्टर भी बहुत मैटर करता है, प्रोडक्शन हाउस बहुत मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा फिर कभी होता है कि एक स्क्रिप्ट पे आप शोर नहीं होते, जैसे अभी दी का कैरेक्टर मैंने किया कमजर्फ में, मैं शोर नहीं थी, मैंने कहा इतना नेगेटिव है, मैंने कभी नेगेटिव नहीं किया। तो वो काम होता है आपका प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को मनाना। मुझे प्रोजेक्ट ऐसा पसंद है जो मैं वाकई बताऊँ जिसपे पैसे भी फिर मैं थोड़ा हो जाता है, जो दिल को लग जाए तो आप कहती हैं नहीं, मुझे अच्छा लगता है वो प्रोजेक्ट जिसमें मुझे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कहे आप ही नहीं करना है, ये लिखा ही आपके लिए, ये आप ही करेंगे, हाय मेरा वही बस ट्रस्ट शो करता हूं। आई लव दैट। मुझे ये नहीं पसंद कोई चीज के जी उधर से किसी को ऑफर करके फिर रिजेक्शन उधर करके मेरे पास तीसरे नंबर पे आई हो, या मेरे बाद भी किसी के तीन चार और बी सी ऑप्शन हो। आई लाइक इट जो मेरे पास आए इतने कॉन्फिडेंस से आए कि नादिया ये आपके लिए लिखा है आप ही करोगे बस, फिर तो आप बहुत लकी हुई इसका मतलब तो। हाँ, I like, I like इस तरह की जब कॉल आती है ना कि सिर्फ आपके लिए लिखा है, इसका मतलब वो तो उनका बजट 300-400 रुपए है। हमारे पास अक्सर वो आता है कि आप ही के लिए रह गया है। आप ही रह गए बस, बाकी सब ने सबसे गुजर चुका है। अच्छा नाजी मैम आप ये बताइए कि ये जो सवाल पूछता है वो, ये तो वो वाले सवाल पूछता है जो एक इंटरव्यू करने के लिए पूछते हैं, मैं वो सवाल पूछता हूँ जो आवाम जानना चाहती है। आपने इतना, आवाम ये पूछना चाहती है कि आपने इतना टाइम दिया टीवी को, स्क्रीन को, आपने मॉर्निंग शो ईजाद किए, आपने सब कुछ किया, तो ये जो नाम है नादिया खान ये कैसे पड़ा? मुश्किल सवाल बताइए, क्या बात है, ये नाम कैसे पड़ा आपका नादिया? मेरा आईडी कार्ड पे है। लेकिन पढ़ा कैसे? पढ़ा मतलब कैसे? लिखा है ना, पढ़ा कैसे? इनको कैसे पता होगा, मतलब कैसे हुआ, क्या आपने रखा होगा ना? हाँ, तो कैसे पढ़ा बताए ना। वैसे मेरा फुल नेम इज नादिया असलम खान। ओह बीच में एक और भी है नादिया असलम खान, ये कैसे पढ़ा? इंसान का क्या, तुम्हारा नाम आदि कैसे पड़ा? पता नहीं, तो बस बलती सी आप ये जवाब दे दें, पता नहीं। अब ये पूछो ना कि मुझे लोग बॉस कहते हैं या दादा कहते हैं, वो कैसे पड़ा? तो नाम है लोग, दादा भी कहते हैं मुझे, ऐसा क्यों? I don't know, बॉस। कौन सी दादागिरी की आपने? कहीं किसी को तो थप्पड़ पड़ा है मुझे लग रहा है। वैसे मशहूर तो है लेकिन आई डोंट नो कैसे पड़ा। आई थिंक प्रॉब्ली जब मैं मॉर्निंग शो कर रही थी तो मैं काफी सख्त थी अपनी टीम के साथ, क्योंकि होस्ट भी थी, प्रोड्यूसर भी थी, बहुत जिम्मेदारी थी और मैं आई हैड टू बी स्ट्रिक्ट, एंड देन यू हैव अ रेपुटेशन, तो उसको कैरी करना जरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस वक्त ये था ना कि बस कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मिस्टेक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। बहुत बहुत जान मार के बड़े जबरदस्त स्ट्रिक्टनेस के साथ शो किया था, प्रॉब्ली उधर से पड़ा। मैं ना इतनी फर्म होती तो टीम इतना अपना बेस्ट डिलीवर ना करती। अच्छा अब ब्रेक पे जाने वाले, लेकिन मुझे जल्दी से दो सवालों के जवाब आपने बहुत जल्दी से देने। ओके फेयर। कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आपने ना किया किसी और को करते देखो और बोले यार ये तो मुझे करना चाहिए था, वही बोलना। और एक ऐसा जो आप बोले कि यार ये मैंने किया और मुझे बहुत रिग्रेट है, ये मुझे नहीं करना, जो मैंने किया मुझे रिग्रेट है, चाहे फॉर एनी रीजन, मैं उसके रीजन नहीं पूछ रहा, जो आपको देख के खुद उल्टी से आई हो कि ओहो ये मैंने क्या कर दिया। वैसे आप अपना काम देखती हैं? बहुत सारे एक्टर्स नहीं देखते।
मैं तो नहीं देखता, मैं अपना काम नहीं देखती, मुझे शर्म आती है। नहीं देखती आप? एग्जैक्टली, यू फील सो ऑकवर्ड कि ये कहां रहता है। मैं बड़ा हार्शली अपने आप को फिर क्रिटिसाइज करती हूं यार, ये मुझे कभी अपना आप, एक तो मैं पतली अपने आप को लगी नहीं कभी जिंदगी में, इतनी पतली हो जाओ उसके बाद फिर डंडी बजती। हां, इसके बाद बस आप माफ कर दें, माफ कर दें बस। ये भी एक मसला है, एक थोड़ा ये कि मुझे हमेशा लगता है यार ऐसे कर देती, ऐसे करती, मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ। अगर मैं देखूंगी तो कोई देख ना रहा हो मेरे साथ, मैं देखती हूं, देख तो नहीं रहा, चुप करके देख लिया। अगर सब बैठे हैं तो मैं उठ के चली जाती हूँ, कॉन्शियस। सोचे आप, इतना पतला होने के बावजूद ये अपने आप को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करती हैं। लोगों को सीखना चाहिए इस बात से कि मतलब थोड़ा सा ख्याल करें, कम से कम आईने में नहीं तो कभी अपने आप को लेंस पे ही देख लें कि क्या हाल हो चुका है। अब आप देखें ना मुझे, मैं सुबह सुबह उठता हूँ, जिम जाता हूँ, अपनी डाइट का ख्याल, आधा इंच ऊपर हो जाए जिस्म तो मैं बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ फैजान, मेरा तो बस नहीं चलता, मैं अपने पैक निकाल के रख दूँगा। नादी जी, हमने एक सिलसिला ये शुरू किया है कि हम हर दफ़ा हर एपिसोड में कोशिश करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए एक ऐसे आदमी को जो अपना टैलेंट शोकेस करना चाहता है, और इसमें हमारे पास तरह तरह के लोग आते हैं। आज हमारे पास जो साहब मौजूद हैं उनका नाम है आसिम शहजाद, जो कि बेसिकली हैं जहलम से लेकिन 25 साल से कराची में हैं। इनका अपना एक सैलून भी है तारिक रोड पर, लेकिन जो इनका टैलेंट है ये आपको खुद बताएंगे। आसिम भाई, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप आसिम भाई? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर कमिंग टू द मजेदार शो। ये बताइए कि सैलून का काम कैसा चल रहा है इस लॉकडाउन वगैरह में? लॉकडाउन के बाद अभी स्टार्ट हुआ है, अभी मेरा सैलून है तारिक रोड पे, लेडीज जेंट्स दोनों ठीक है, और इसके अलावा बस। तो आप ये कह रहे हैं कि जितना अर्थ से लॉकडाउन था आपका सैलून बंद था? जी जी बिल्कुल बंद, बाकी बात है बंद था। जी जी बंद था। दोनों का सैलून कैसा होता है? वो यहां से सैलून कैसा होता है, मतलब होता है, सब साथ बैठे होते हैं? नहीं नहीं, बीच में पर्दा लगा हुआ है। लड़के ये क्या होता है, मैंने तो कभी नहीं देखा। नहीं मतलब पोर्शन बने हुए हैं, ऊपर लेडीज है, नीचे जेंट्स है। तो ऐसे बोले ना कि आप हमारे पास पोर्शंस हैं। अच्छा, जो आसिम भाई का टैलेंट है वो है सिंगिंग। ओ अच्छा, मुझे लगा जेंट्स और लेडीज का अलग करना। यही मुझे भी लगा, मुझे भी यही लगा, मुझे भी लगा। अच्छा, उनको तो लग सकता है, तुम्हें क्यों लगा मैं तुमसे थोड़ी देर में पूछूंगा। गा तो सब लेते हैं ना, लेकिन ये काम बहुत स्पेशल। हाँ जी, नहीं लेकिन ये वाकई सैलून के साथ साथ बहुत अच्छा गाते भी हैं। और आसिम भाई, आप मुझे बताइए कि आपने कहीं से गाने की ट्रेनिंग ली है, शौकिया गाते हैं, क्या सिलसिला है? जी फैजान भाई, मैंने सीखा है लाहौर से। सर मुझे पूरा यकीन है कि आपका जो टैलेंट है वो हम देखेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, और स्ट्रगल जो है ना वो हर काम का हिस्सा है। स्ट्रगल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब भी रहेंगे, ठीक है ना? स्ट्रगल तो हर काम में, देखें अगर किसी लड़की का नंबर चाहिए तो बात को छोड़ देते हैं, हम जा रहे हैं दिस और दैट की तरफ। बहुत बहुत आप स्ट्रगल ना करें, आपकी स्ट्रगल चलती रहती है। हम जो गेम खेलने लगे उसका नाम है दिस और दैट। इसमें होगा ये कि हम आपसे जल्दी जल्दी सवाल करेंगे, आप जल्दी जल्दी जवाब देंगी, लेकिन उसका कैच ये कि आपने साथ साथ रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना है, जो कि हमें पूरा यकीन है कि नहीं होगा। सारी जिंदगी नहीं हुआ मुझसे और ये रखा इसीलिए गया कि हमें पता है। मैंने बचपन में बहुत कोशिश की है, मुझसे नहीं बना। चार कलर्स होते हैं, इसमें हमने कुछ 8 कलर रखे। और इसके मजेदार बात यह है कि ये सॉल्व होता ही नहीं है कभी भी, इसने बनाया वो भी यही कहता है ये खराब है। चलें जी। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल मुझे ये बताइए, होस्टिंग या एक्टिंग? एक्टिंग। हील्स या फ्लैट्स? हील्स। अच्छा, केज में रहना पसंद करेंगी स्पाइडर्स के साथ या केज में रहना पसंद करेंगी स्नेक्स के साथ? तौबा। नहीं नहीं, कोई एक तो होगा। स्पाइडर। बेहतर को स्टार कौन है, जुनैद खान या एजाज असलम? दोनों, लेकिन जैजी ज्यादा। जैजी ज्यादा। अच्छा, चने पराठे पसंद है या मैं ब्राउन ब्रेड खाती हूँ? दोनों नहीं। दोनों नहीं खाती, तो क्या खाती हैं ब्रेकफास्ट में? बस कार्ब्स है ना दोनों में। कार्ब्स वाला मामला, काउंटिंग चल रही है, ठीक है, आजकल चल रही है। अच्छा, ब्लैक या व्हाइट? ब्लैक। सिंगिंग और डांसिंग? डांसिंग। शाइस्ता लोधी या साहिर लोधी? साहिर लोधी। ओह माय गॉड, ये दोबारा कीजिएगा सर, ये वो है ना वायरल होने वाली चीज़। ये आपने आपने ऐसे किया ना, रेटिंग एकदम से स्पाइक हो गई और वापस नीचे ले गए। नहीं ऐसे तो नहीं कहा था, पहले वाला हम रिपीट कर लेंगे। हाँ, पहले वाला हम निकाल वाले। अच्छा, यासिर नवाज या निदा यासिर? निदा। अच्छा, रावलपिंडी या कराची? रावलपिंडी। रावलपिंडी। दुबई या कराची? कैसा दुबई होगा? दुबई। जी आदि। हाँ, ये बताइए शरारा के गरारा? शरारा के गरारा, ये गरारा, गरारा। कि तुम्हारी दुकान मुझे पता शरारा कौन सा होता है, तो गरारा ही होगा। एक होता है एक टांग वाला, एक होता है दो टांग वाला। नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, दोनों में दोनों टांगे होती हैं, है ना? बात सारी है कि एक में एक टांग अलग जाती है, एक टांग अलग जाती है, एक में दोनों टांगे एक साथ जाती है। ये एक क्या टांग कहाँ से आ गई? मतलब तुम्हें किसने बताई बात? मेरे पास एक बेगम है जिसके पास शरारे करारे दोनों हैं, और माशाल्लाह टांगे भी दोनों हैं। नहीं, ये असल में बेगम तो होती है सबके पास, तुम सुनते हो उसकी बात। अल्लाह, ये चीज। नजर उतारो भाई, नजर उतारो, नजर उतारो। अच्छा जी, शरारा करारे में क्या चूज किया आपने? गरारा। गरारा। ये बताए मैनीक्योर या पेडीक्योर? वाह वाह वाह,
दोनों नहीं हो सकते हैं? नहीं, दोनों तो नहीं हो सकते हैं। बजट 150 ही है हमारे पास। मैनिक्योर। ये बताइए सीरियस ड्रामा या कॉमेडी ड्रामा? कॉमेडी। ये बताइए कि फ्रॉक या गाउन? है नहीं है, अभी गए में, थोड़ी देर में आएंगे, आपसे बात कराते हैं। ये बताएं फ्रॉक पहनेंगे या गाउन पहनेंगे? गाउन। गाउन पहनेंगे। शहर में रहना पसंद करेंगे या गाँव में? शहर में। शहर में रहना पसंद करेंगी तो किसके साथ पसंद करेंगी? सलमान नहीं है वो? नहीं, हुमायूं सईद का भाई का नाम क्या है? सलमान सईद या हुमायूं सईद? ये तुम कहां से लायो? ये मेरा दिमाग इतना ही चलता है। नहीं, गलत चल रहा है दिमाग। सलमान सईद या हुमायूं सईद? ज्यादा बेहतर। अलग सवाल है। कोई भी नहीं। दोनों में से कोई नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं टीवी पसंद है या नेटफ्लिक्स? मुझे नेटफ्लिक्स। अब मिलियन डॉलर्स या फिर तमाम फैंस से मुलाकात? ओह, पहले मिलियन डॉलर्स दूंगी फिर फैंस से मिल भी लूंगी। हां, मिलती हूं। सही बात है। ये बताइए आदि या फैजान? फैजान। या पांच गेस्ट हैं, पांचों ने मेरा नाम लिया। बेटा ये, और मैंने पैसे भी नहीं दिए। पूछो। कचरा भी अपनी जगह बदलता है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। ये यहाँ कैसे बैठा? मैंने मैनेज किया इसको किस तरह। ये बताइए कि बालों में तेल लगाने या ब्लो ड्राई करवाना? तेल लगा के फिर ब्लो ड्राई करवाना। वाह जी वाह। मेकअप और नो मेकअप? मेकअप। होस्टिंग करना मुश्किल है या मेकअप की वीडियो बनाना मुश्किल है? मेकअप वीडियो जो ट्यूटोरियल वीडियो बनाना ज्यादा मेकअप वीडियो ज्यादा मुश्किल है जी। टिकटॉक या बर्तन सर पे मारना? बर्तन सर पे मारना। मथीरा या वीना मलिक? वैसे बताओ, मैं बता दे। नहीं, तुम ना बताओ। दोनों का करना क्या है? दोनों का बहुत बेहतर। कौन है बेहतर? कौन है? हाँ, वीना, आई थिंक। काफी काफी सोच के जवाब दिया आपने। प्रोडक्ट एक ही है बस, मेड इन अलग अलग है उनका। ट्विटर या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम जी। इंस्टाग्राम पे बार बार लाइव जाना या बस एक स्टेटस डाल के उसको छोड़ देना? स्टेटस डाल के छोड़ देना। तब्दीली या नो तब्दीली? तब्दीली। रेटिंग या नो रेटिंग? रेटिंग। नहीं, आपको तो माशाल्लाह रेटिंग ही रेटिंग है। नहीं, मुझे पता नहीं तुम किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो भाई। हम तो आपसे जनरली पूछ रहे हैं। बिल्कुल रेटिंग या नो रेटिंग? हां, रेटिंग रेटिंग। हां, कॉन्टेक्स्ट का तो मतलब भी नहीं पता हम लोग को। आगे ठीक है, रेटिंग। अच्छा ये बता, एज अ गेस्ट जाना या होस्टिंग करना? जिसमें बेहतर अरेंजमेंट हो। जिसमें अरेंजमेंट हो। अच्छा, बाइक खुद चलाएंगी या पीछे बैठ जाएंगी? मैं बैठूंगी भी नहीं, चलाऊंगी भी नहीं। क्यों? आपको बाइक से डर लगता है? बाइक वालों के पास दिल नहीं होता क्या? दिल तो होता है, लेकिन वो गिर भी जाते हैं ना बेचारे। मुझे बहुत खौफ है, बहुत खौफ। साइकिल, आई वुड प्रेफर साइकिल। अच्छा, जहाज या ट्रेन? तौबा, ट्रेन। आजकल 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 ट्रेन, क्योंकि जहाज में बहुत फ्लाइंग का फियर है। और सेम है, लाइक फोबिया ऐसे ही है। कोई ऐसा शौक जो किसी को ना बताओ आपका? मेरा ओके ठीक है, इसके अलावा एक ही हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, दो हो गए, तीन। ये ऐसे यूं कर दीजिए, शौक है इनका। क्या शौक हो गया, जल्दी बताएं। नहीं, मुझे मुझे क्लीनिंग का बहुत शौक है। अच्छा। मुझे गार्डनिंग का शौक है। गार्डनिंग का? हाँ, वाव, नाइस। थोड़ा। अच्छा, नाश्ता आप खुद बनाती हैं? और मुझे मेरे जो डॉगी है उनका ख्याल करना, उनकी ग्रूमिंग करना, बाल। अरे, इनके पास भी डॉगी है? मेरी अम्मी के पास भी है एक। हाँ। तो मैं हूँ और एक और रखा हुआ हमने लेबर डॉग। दो हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बताइए कि नाश्ता आप खुद बनाती हैं या आया नाश्ता ले गया? ये दूसरा वाला। आया, दूसरा वाला। आया, आया नाम नहीं होता उनका, भी कोई नाम होता है? नहीं, आया मेरे वाले का नाम आया है। मेरे वाले का? हाँ, उसको जब भी बोला कहता आया, उसका नाम मैं आया रख दिया। वेरी नाइस। ये बताया कि बंजी जंपिंग या स्कूबा डाइविंग? दोनों नहीं, ऊंचाई से भी डर है, पानी से भी डर लगता है। हाँ, बिरयानी में आलू या नो आलू? आलू ऑफ कोर्स। ये हम सबसे पूछते हैं। हाँ। निहारी या पाए? निहारी या पाए? निहारी। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। मोटा क्यूट बच्चा या पतला चिच्चर बच्चा? चिच्चर क्या होता है? होता ना कि आवाज दो नादिया जी ने बहुत अच्छे जवाब दिए। हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको सुनाएंगे एक जबरदस्त गाना और फिर हम आगे लेके चलेंगे जो हमारे पास और गेम्स मौजूद हैं। आप लोग कहीं मजा आएगा क्योंकि आप देख रहे हैं मजेदार शो। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। मैनू सोचा दिया दे गया सुना का सुख मारी नाल लै गया सुख मारी नाल लै गया नाल दुखा दे करा के मुलाकात सुख मारी नाल
सो मच आसिम, ऐसा देख के बिल्कुल नहीं लगा कि आपने गाना ना सीखा है ना आप इतना सीरियस नहीं इस काम में। ज़बरदस्त गाया आपने, बहुत सारी तालियां, लोग आपके लिए यकीनन बजाएंगे जो लोग घर पे बैठे। आदि आप इतने खामोश क्यों हो गाना सुन के? बस ये खामोशी काफ़ी है, इंसान कभी कभार कुछ चीज़ें सुन के ना सुन हो जाता है। वेल डन आसिम, हम आपसे एक और गाना सुनेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ है बोरो खेलने का। बोरो हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है बोरो। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, उसमें सेलिब्रिटीज़ भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं। आपको उनसे कुछ ना कुछ बोरो करना है, और ना सिर्फ आपने बल्कि इन साहब ने भी, आप भी कुछ बोरो करेंगे। ठीक है, 500,000 जो उनके पास होगा, पैसों से बाहर आ जाएं। ठीक है, उनकी कोई अच्छाई, कोई ऐसी आदत, अच्छा कोई टैलेंट, कुछ भी आप बोरो कर सकते हैं। लाइए जी, पहली तस्वीर दिखाइए हमें। अदनान सिद्दीकी साहब, हाँ जी, पहले मैम बताएंगे। मैं इनसे बोरो करूँगी, इनका एजेंट। एजेंट बोरो करेंगे? एजेंट, हाँ हाँ, पीआर एजेंट। अच्छा, पीआर एजेंट होता है ना जो इनको बेस्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स दिला रहे होते हैं, और इनकी इतनी जबरदस्त प्रमोशन और सारा, वो एजेंट चाहिए मुझे। जबरदस्त, मैं इनकी एनर्जी जो है वो बोरो करूंगा। अच्छी एनर्जी, बहुत यंग थी एनर्जी इनकी। यंग थी क्या मतलब है यार, यंग ही है कितने, कोई 16 साल के तो नहीं है ना यार? 16 साल के लोग यंग होते हैं, 18 के भी यंग होते हैं, 20 के भी यंग। लाइए जी अगली तस्वीर दिखाइए। एहसन खान, क्या बोरो करेंगी आप एहसन खान से? एहसन का नेचर बहुत अच्छा, अमेजिंग। ये कभी कोई गलत बात नहीं करता, इसका किसी एक से भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं कि कभी कोई होता ना आपकी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई नाराजगी हो जाए, इसके किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। ही नेवर सेज एनीथिंग ऑफेंसिव या रॉन्ग, माशाल्लाह। इसका जो वो है ना, इसका इमेज, हाँ बहुत अच्छा, इसका बोलने का स्टाइल सबसे, इसका क्या कहेंगे, इसका पीआर अगली तस्वीर दिखाएंगे। ओप्रा विनफ्रे, बताइए जी क्या बोरो करेंगी आप? क्या बोरो करूंगी यार, सो मच माशाल्लाह, इतनी इंस्पायरिंग आइडियल है मेरी। एब्सोल्युटली, इनसे तो टाइम करूंगी, टाइम इनसे बोरो करूंगी। टाइम बोरो करेंगे, इनसे टाइम चाहिए ताकि इनसे बैठ के बातें करें और सीखने को मिले। अरे वाह,
आदि मैं इनकी मुस्कुराहट जो है जो स्माइल होती है वो फॉलो करूंगा। ये अपनी स्माइल के लिए मशहूर नहीं है। नहीं हां लेकिन आप मैं तो ये जानना चाहूंगा आपने इनकी स्माइल कहां देखी भाई। हां कहां देखी भाई। जब टीवी पे आती हैं तो जब वो मुस्कुराती हैं ना तो ऐसा लगता है वो नहीं मुस्कुरा रही, पूरा अमेरिका पूरी दुनिया मुस्कुरा रही है। ये मैं याद करके आया था बड़ी मुश्किल से। बड़ी अजीब बात है। बहुत ही अजीब बात की, याद करने वाली बात नहीं। हां इसको पूछो ओपरा का पता भी नहीं होगा। हां कौन है ओपरा जी? ओपरा नहीं होता, ओपरा कैंडी। खोपरा, ये खोपरा समझ रहा होगा। खोपरा है। अच्छा अलग है ये। हाँ, ओपरा विंस्टन। मुझे तस्वीर नहीं दिखा रहे ना आप लोग। वही ना मैंने कहा जवाब। बड़ा तुमने तस्वीर से पहचान जाना इनको। इंटेलेक्चुअल बोल के कुछ बन के स्माइल कुछ ये बार है। आइए जी अगला अगला अगली तस्वीर प्लीज। अगला क्या है? रीमा खान जी। रीमा खान, रीमा का, रीमा के बाल। उनके बाल बहुत अच्छे। रीमा के बाल बहुत अच्छे। रीमा का जो सब अपने आप को मेंटेन रखती हैं, जो डिसिप्लिन। मुझे लगता है कि सेंस ऑफ स्टाइलिंग बहुत अच्छी है। स्टाइलिंग एंड डिसिप्लिन उसकी लाइफ में बहुत है। मैं इनको कब से देख रही हूँ माशाल्लाह। शी इज़ ऑलवेज इम्प्रूविंग, ने आपको कैरी करना, बहुत बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो आई थिंक हर डिसिप्लिन मेनली। पढ़े लिखे जवाब देते हैं देखो। जी जी अभी मैं भी दूंगा। मैं उनका लहजा बोरो करूँगा, उनका लहजा। अच्छा, क्या है लहजे में खासियत? ये आपको पूछना जरूरी है, बस बात खत्म कर दो ना। मैं जानना चाहता हूँ वो इतने भारी जवाब दे रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है भाई? वो इतना ठहर ठहर के बोलती है, उनका वो जो ठहराव है उनके पर्सनैलिटी में। अम्मी अम्मी याद आ रही है। अक्सर ऐसे जवाब पे इंसान को अम्मी याद आ जाती है। जी सर अगली तस्वीर। मीरा जी। मीरा जी, मीरा जी क्या बोरो करेंगी आप? कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ तो बोरो करना है। बहुत हैवी है क्वेश्चन, ये ऑप्शन बड़ी हैवी है। कुछ तो बोरो करना है जी, कुछ भी। मैं कहता हूँ नेल कलर बोरो कर लें, लेकिन कर लें कुछ ना कुछ बोरो करना है जी। आप मोबाइल का चार्जर ले लें। हाँ चार्जर ले, मोबाइल का चार्जर, चार्जर ले, मोबाइल का चार्जर लेंगे जी। आप क्या बोरो करेंगे मीरा जी? मैं मीरा जी से सोच समझ के सेंसर पे जाता है शो, लोग देखते हैं। मैं मीरा जी से वो जूस बोरो करूंगा जो वो पीती है। कौन सा जूस पीती है? वो जूस पीती है जरा, आप जूस पीते हैं ना, वो एक जूस पीती है। उसके बाद बस मजा जिंदगी का है। तो वो जो भी जूस पीती हैं वो मैं करूँगा, जिससे जरा मैं ऑरेंज जूस पीता हूँ, वो पता नहीं कौन सा। उम्मीद करता हूँ कि वो भी ऑरेंज जूस ही पीती होंगी। एप्पल भी पी सकती है। एप्पल भी पी सकती हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। अरे वाह फारूक सत्तार साहब, मुश्किल में डाल दिया हमने ना हमारे के सरदार साहब। मैं पता है वो ज्यादा पॉलिटिक्स या न्यूज़ वगैरह नहीं देखती, फिर भी कुछ भी बोरो कर लें। आदि आप क्या बोरो करेंगे फारूक साहब से? फारूक साहब से मैं उनको बोलूंगा यार देखो बॉस गाड़ी दे दो। गाड़ी बोरो कर, गाड़ी अच्छी है इनके पास, उनके पास बहुत अच्छी गाड़ी। मैं भी गाड़ी ले लूं, है ना? हां गाड़ी, गाड़ी ले लेंगे, बेच के फिर आधा आधा जो मिला। यहां फर्रे निकल आए लोग एक दूसरे की, हम लोग शूटिंग करना शुरू कर दिया हमने। अगली तस्वीर दिखाइए जी फौरन। मरीना खान जी। मरीना खान जी क्या बोरो करेंगे आप इनसे? बालों का कलर बहुत ग्रेसफुल मुझे लगता है। तो तुम क्यों बोरो करो? तुम थोड़ी ग्रेसफुल लगोगे। नहीं नहीं मैं लगा के पे करेक्टर करूंगा ना, अलग अलग करेक्टर करूंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। अरे खान साहब से क्या बोरो करेंगे? करेज माशाल्लाह, बोलने का स्टाइल, उनका विजन, विजन स्ट्रेंथ, देयर सो मच, देयर सो मच टू बोरो। जी आदि भाई क्या बोरो करेंगे आप? मैं इनका वो कंटेनर जिस पे खड़े होके स्पीच करते थे। क्यों क्यों बोरो करोगे? वजह कंटेनर में एसी शेसी लगाऊंगा, बिस्तर लगाऊंगा, पार्टी पिकनिक। पार्टी पिकनिक उन्होंने एक जरूरी काम के लिए किया तो तुम पार्टी पिकनिक। जरूरी काम हो गया ना? हाँ देखिए जब आप खत्म थोड़ी हुआ, अभी चल रहा है काम। देखिए जब आप वॉशरूम जाते हैं, जरूरी काम करते हैं, वापस आते हैं, फिर वॉशरूम साथ लेके थोड़ी घूमते हैं, कर लिया बस। अगली तस्वीर दिखा दें। उष्णा शाह। उष्णा के ड्रामे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करती हैं, चुन चुन के बहुत अच्छे उसके होते हैं रोल्स, तो उसके ड्रामे बोरो करने। नजर रखी हुई इन्होंने, इनको सबका पता है कौन 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 से ड्रामे कर रहा है। वेरी गुड। आदि उष्णा जी से क्या आप बोरो करेंगे? मैं उष्णा जी से कुछ बोरो नहीं करूंगा। नहीं ये क्या बात है, करना तो है ना। नहीं मैं नाम मेहरम लड़कियों को नहीं देखता इतने गौर से, मुझे पसंद नहीं याद है। आप मत देखें गौर से, कुछ बोरो करना, गेम खेल रहे हैं। अच्छा उनसे बोरो, उनके कोई ड्रामे बोरो कर लूंगा मैं दो चार।
ये तुम ये चीटिंग क्यों कर रहे हो यार, वो बोल चुकी है ड्रामे। अच्छा आपने भी ये बोला है। हाँ। मैं ड्रामे बोल रहा हूं, बहुत अच्छे ड्रामे करती है। कॉपी ना करो मेरी, जवाब लाओ। देखिए वो करती है ना, ये तो पूरी दुनिया को पता है। हां पता है, मैं आप कोई और जवाब दें। मैं उनसे स्माइल 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 उनका स्माइल जो है ना, उनका स्माइल लड़का रखा हुआ है, स्माइल वो बोरो कर लेना उनसे। क्यों स्पॉट का लड़का ना, मैं अपने पास रख लूंगा। छोड़ रहा हूं। हां जी अगली तस्वीर दिखाइए। अरे कौन आ गए? द वन एंड ओनली जी। क्या बोरो करेंगे आप? इनका फ्लुएंसी बोलने की, इतनी देर तक स्टेमिना, अमेजिंग स्टेमिना इनका, थकते नहीं है। और माशाल्लाह रिसर्च और वो सब कुछ ना, वो सब कुछ स्पेशली रमजान में भाई, सहरी से लेके अफतारी और उसके बाद फिर सहरी, इनका जो वाकई अनबीटेबल स्टेमिना और एनर्जी रहती है वो कम नहीं होती। आदि भाई क्या बोरो करेंगे? मैं इनसे बोरो करूंगा मेडिसन। मेडिसन क्यों? क्योंकि जो इनकी एनर्जी है और जो इनकी बातें हैं वो एक मेडिसिन ही बूस्ट कर सकती है। ओ भाई उनका हाफजा बहुत अच्छा है, उसको भी याद रखते हैं। मेरा भी हाफजा बहुत अच्छा है, लेकिन अक्सर मेरा हाफजा ना कमजोर हो जाता है तो फिर मसले हो जाते हैं। पता हाफजा किसे कहते हैं? हाँ किसे? खाना खाओ तो खाना हाफजा, वो हाजमा होता है। हाजमा हाफजा होता है मेमोरी। अच्छा मेमोरी, तो मैं इनकी मेमोरी कर लूंगा बोरो। अच्छा जी लाइए जी, हमें आखिरी दो तस्वीरें दिखा दीजिए। अरे भाई एकदम करंट नहीं लगता कभी। बताइए जी बताइए ताहिर शाह साहब। मैं बताऊं? हाँ पहले तुम बता दो। मैं इनकी नाइटियां बोरो करूंगा। जो गाने में नहीं पहन के आते नाइटियां, वो वार्डरोब है यार, वो वार्डरोब नाइटियां। इट्स अ रोब, इट्स अ रोब, इट्स नॉट अ नाइटी। रोब कब पहनते हैं? रात में पहनते हैं ना नाइटी। हो गई वो दिन में पहन के घूम रहे हैं, वो डेटी हो गई। डेटी हो गई? अच्छा दिन में पहना तो डेटी हो गई, रात में तो नाइटी। आप क्या करेंगे? पहले तो मुझे चेक करना ही रियल है भी या नहीं, एनिमेशन तो नहीं है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है असल में कोई है, असली में है। और इनके मदर और फादर भी हैं, इनके मदर और फादर भी हैं जी बिल्कुल। पहले तो बाकी मुझे वो मतलब अदर देन बोरोइंग, पहले तो मुझे ये कोई बताए कि ये है कि नहीं। हमारे पास अगला जो है ना वो इनसे भी, अगर इनसे अगर बोरो करेंगे, अरे इनके नेकलेस देखो, नेकलेस के बाल देखो। अरे आप इतना डिटेल में मत जाएं। मैंने भी देखा है। आप क्या बोरो करेंगे? ये लिखा हुआ है। क्या बोरो करेंगे आप? कैसे कैसे हो रहा है? आजकल सब भाई शेव करा रहे हैं, लेजर करा रहे हैं। लेजर? असल में वहाँ सर्दियाँ थी ना तो स्वेटर लगाया हुआ थोड़ा उन्होंने। अरे यार इधर उधर मत जाए प्लीज, बताओ क्या फॉलो करेंगे? मैं फॉलो करूंगी इनके व्यूज। इनके व्यूज? हाँ बहुत सारे व्यूज। ये देखो स्मार्ट स्मार्ट जवाब, पढ़े लिखे लोग, इसलिए उनका नाम नादिया खान है और मेरा नाम आदि है। अच्छा जी आखिरी आखिरी तस्वीर दिखाइए। ओह नो। हेलो गाइस। अच्छा ना ये बड़े मशहूर है जी सोशल मीडिया पे। अच्छा मैंने नहीं देखा। नाम है नासिर खान जान। नासिर खान जान आप नहीं जानती इनको? ये अपने मुंह में कोई भी चीज डाल के खा जाते हैं, जैसे कि खीरा। इनकी अक्सर वीडियोस ये होती है कि खीरा काटते हैं पूरा खीरा खा जाते हैं, केला खा जाते हैं, केला खा जाते हैं, फिर पूरा दूध का डब्बा एक सांस में पी जाते हैं, खरगोश मुंह में रख लिया। ये इसलिए मशहूर है जी? जी ये बस मशहूर है, इसलिए विसली नहीं है, बहुत जोर से मशहूर है। टिकटॉक पे आते हैं? नहीं नहीं नहीं, कहीं भी आ जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं। इनको आप 200-500 में आ जाते हैं यार। आप मुझे आप बता दें प्लीज आप क्या बोरो करेंगे? अल्लाह का वास्ता मैं इनसे बोरो करूंगा इनका एक्सेंट जो है। एक्सेंट कैसा एक्सेंट? हेलो गाइस आज हम आपको ये करना सिखाएंगे। बहुत क्यूट बोलते हैं नासिर, मुझे बड़ा अच्छा। और मैं आपको बताऊं मैं इनसे मिला हुआ भी हूं और मैंने इनका एक्टिंग भी की है। हम इनसे मिले? हां मैंने इनके साथ एक्टिंग भी की है, ये मेरे ड्रामे में हमने इनको बुलाया था। और इतने प्यारे हैं और लेकिन बहुत शर्माते हैं, लेकिन जब आप इनकी वीडियोस देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो आप नहीं है, वीडियोस पे अलग है वैसे अलग है। हाँ वो एक होता है ना, लेकिन नासिर भाई गुड जॉब। किस किस्म की वीडियोस होती है? मैं आपको बताया ना, ये दूध का डब्बा खोलते हैं और पूरा दूध का डब्बा एक सांस में पी जाते हैं, चाहे वो गिर रहा हो चाहे इधर जा रहा हो इधर जा रहा हो। ये वीडियो है, ये वीडियो दूध हो जाते हैं और इस पे मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं बोल के, रिसर्च करके दिखा के सीख रहे हैं लोग, इनको पैसे देते हैं कि ये बर्थडे विश करें। हाँ इनकी बर्थडे विश, आपकी बर्थडे विश का जो कोई मशहूर हुई था वो ये हुई है। हाँ हेलो गाइस मैं आपको सब अच्छी चीज मुझे याद दिलाई जी। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, हम वो बर्थडे विश भी करवाएंगे जो कि बहुत मशहूर है। तो आप देख रहे हैं जी द मजेदार शो, प्लीज कहीं मत जाएगा, वी विल बी राइट बैक। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद हैं जी नादिया खान। और आपको पता है हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि एक हैप्पी टू यू
जिसका ट्रेंड इन्होंने शुरू किया, एक बहुत मज़ेदार सेगमेंट था। तो मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेंड क्योंकि इन्होंने शुरू किया था, ये यही संभालें। आप हमारी अब होस्ट हैं, आपने कराना जी हैप्पी, क्योंकि वो आप ही करा सकती हैं और हम आपके साथ मौजूद हैं आपको फॉलो करने। हाँ नहीं, फॉलो नहीं करना। देखिए हैप्पी ड्यू की खास बात ये थी कि मेरे तो 3-4 स्टेप्स थे, ठीक है, लेकिन जो गेस्ट आते थे ना वो अपने स्टेप्स तैयार करके आते थे। अरे आप बोल के तो देखें, तो मतलब ये म्यूजिक होगा लेकिन उसमें जान आपने डालनी है। ओ बेफिकर, इनोवेटिव बेफिकर। अब उसमें आप पैर का भी स्टेप्स कर सकते हैं, हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चलेगी। चलें जी, बैंड हमारा तैयार है जी। और मैं आपको बताता चलूं, हमारा इन हाउस बैंड वही है जो हर दफा होता है, फैसल भाई, इमरान भाई, सोहेब भाई और यासिर भाई। तो आ गया जी, बस बजाइए जी। चले अब आदि की बारी, आदि जो करेंगे हम फॉलो करेंगे। हाँ, चले 1 2 3 गो। बहुत अच्छे थे। और मैं जीत गई। सारे जितने फॉर्म आते थे सब कर दिए, सारे हमने एप्टीट्यूड कर दिए। वाह जी वाह, वैसे आप ये रोजाना कर दी नहीं, बहुत बड़ी बात है। हाँ ना? वेल डन, हमने तो एक दफा किया और लेकिन इस चीज से एनर्जी कितनी बढ़ गई आप ये देखें। हाँ, हाँ तो ये एनर्जी की तो गेम होती बॉस। वाह बॉस, ओके बॉस, वेरी गुड, ओके बॉस। अच्छा जी, अब जो हम आपके साथ गेम खेल रहे हैं, बहुत छोटा सा गेम है और इसका नाम है क्या ख्याल है। मजेदार कुछ यूँ की हम आपको एक लाइन देंगे, आप हमें बताएंगे कि इसके बारे में क्या ख्याल है आप। जी आदि भाई, सबसे पहले तो ये बताइए, जब बारिश होती है तो सड़कों पे समंदर एक बन जाता है, इसके बारे में क्या ख्याल है। बहुत अफसोस होता है क्योंकि बाकी पाकिस्तान में जब बारिश होती है तो सब इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, मूड अच्छा हो जाता है। हमने हफ्तों की देखी है बारिशें इस्लामाबाद में, लाहौर में, यहाँ तो ये लगता है बहुत बड़ा मतलब ट्रेजेडी हो गई है। यहाँ बारिश आती है तो सब डर जाते हैं, तो वो मुझे बहुत दुख होता है। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की बारिश, उसको हम ये शहर वाले एंजॉय नहीं कर सकते। अच्छा आदि भाई, आपसे मेरा सवाल है कि एक बहुत मशहूर लाइन है वो है कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए। हाँ। क्या ख्याल है इसके बारे में। मेरा ये ख्याल है कि गंजी सही दिल दुखाने के लिए आते सही, रंजिश ही सही। अच्छा रंजिश ही सही नहीं, रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, रंजिश मायने तीन रन, ठीक है रन जिश, मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा था कि आपको नहीं पता। नाजी जी से पूछा, आप बताइए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, इस बारे में क्या। रंजिश मींस के दिल, रंजिश यानी कि तुम्हें मुझसे तप चढ़ी हुई है, कोई नाराजगी है। हाँ।
यू डोंट लाइक मी दैट मच बट आई नो हमारे पास्ट है मसले मसाइल है तो ठीक है लड़ने के लिए आ जाओ. और ये आजकल कहाँ होता है भाई. हाँ आजकल तो कोई सीन नहीं है. आजकल तो खबरदार आई ब्लॉग डिलीट नया वाला है खत्म करो. अच्छा ये बताइए कि आपने किसी से पूछा कि मेरी पेमेंट का क्या हुआ और उसने आपको ब्लॉक कर दिया, इसका क्या मतलब? अल्लाह माफ. कभी तो हुआ होगा. मजा ले किसी की कभी नहीं ना ना यार. जीरो बैलेंस. वाह वेरी गुड यार. मतलब आपका रोब है इसका मतलब. अल्लाह का शुक्र. इज्जत है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है. और लाइक आई सेड कि शुरू में ख्याल करना चाहिए कि आप काम के लोगों के साथ कर रहे हैं. हाँ, मैं उस वक्त मतलब बाद में जो बदमजगी हो और बुरी बात हो बेहतर है कि आप शुरू में ही देख लें कि नहीं सिलेक्टिव ये लोग सही हैं, ये आपको तंग नहीं करेंगे वरना नहीं काम करेंगे. अच्छा ये जो आजकल आपने क्योंकि मैं आपने तमाम जनरेशन के साथ काम किया है और अभी भी आप माशाल्लाह बहुत सारा काम कर रही हैं, ये जो चार दिन पुराने बच्चे छः छः घंटा लेट आते हैं सेट पे और सीनियर्स वहाँ पहले से मौजूद होते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल? ये होता है? अरे जी बिल्कुल होता है, यही होता है. आप कहाँ हैं? बेहद होता है, तो बेहद होता है. मेरे साथ बिल्कुल नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो अगर ये करते होंगे तो बहुत बुरी बात है. हाँ लेकिन बात ये है कि अगर ये हो रहा है तो ये उसी प्रोडक्शन के अगले 30 ड्रामों में क्यों होते हैं? एग्जैक्टली माई पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट. बिल्कुल बिल्कुल. कि जब वो लेट आ रहे हैं तो फिर वो और मसले मसाइल हो रहे हैं तो फिर वो मुसलसल कास्ट क्यों हो रहे हैं? हाँ, ये सोचने की बात है. वो लेट आ रहे हैं कोई बात नहीं, ये दोबारा क्यों कास्ट हो? अच्छा हम एक अभी रिसेंटली बहुत सारी बात शुरू हुई थी कि इंडस्ट्री में बहुत सारा नेपोटिज्म है, इसके बारे में आपका क्या? हमारी इंडस्ट्री में अभी तो शुरू हुआ हो गया. लोग तो कह रहे हैं कि बहुत सारा नेपोटिज्म है, पता नहीं क्यों. आई थिंक हर इंडस्ट्री में हर जगह नेपोटिज्म, हर फील्ड में नेपोटिज्म, हर फील्ड में. लेकिन क्या होता है कि ये लोग जो नेपोटिज्म से आते हैं ना वो ज़्यादा दिन नहीं निकाल सकते. इवेंचुअली आपका स्किल, आपका टैलेंट मतलब इज अबव एवरीथिंग एल्स. आ जाएंगे, इन हो जाएंगे, लेकिन स्टे नहीं कर पाते क्योंकि जब आपको लोगों की लाइकिंग नहीं मिल रही, आपका काम अच्छा नहीं, फिर आप फिल्टर हो जाते हैं, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता किसके क्या लगते हैं आप. लेकिन इवेंचुअली आपका जो रियल टैलेंट है, अच्छे लोग हैं जिनकी लोगों की लाइकिंग है, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, वो ही स्टे करता है, सर्वाइव करता है देर तक. अच्छा जी ये बताइए जो बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं इनके बारे में क्या? आपके साथ नहीं हुआ कोई बिन बुलाए मेहमान आ गए अचानक घंटी बजा गए नादी हम आ गए हम गुजर रहे थे हम आ गए? हाँ ये बड़ा रेयर होता है, होता नहीं नॉर्मली, पता के आते हैं सब लोग. लेकिन अगर कोई फ्रेंड्स आ जाए तो इट्स ओके. तैयार व्यार नहीं हुई भी, इट्स ओके. घर मेरा हमेशा साफ होता है, किचन में हमेशा सामान होता है, पता होता है स्टाफ को कि अगर मेहमान उनको मैं नहीं उनको मैं कहा मैं शाम का भी बोलूँगी तो चीज़ें रेडी हों, कुछ ना कुछ ख्याल करना है. लेकिन वैसे आइडियली बेहतर होता है लोग पता के आए. अच्छा जी आपसे मेरा आखिरी सवाल वो ये है कि ये जो कोरोना में हमारी गवर्नमेंट अपने आप को पीटती फिर रही है कि भाई खुदा के वास्ते एसओपीज फॉलो करना, लोग कहते हैं यार ये कोरोना नहीं होता, यार कोरोना वरना कुछ नहीं है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कोरोना होता है और बहुत खौफनाक होता है, और ये सारे जो फिगर्स एंड फैक्ट्स हैं ये झूठ नहीं है, शायद कम हो, मतलब जो एक्चुअल फिगर इससे बढ़ के होगा, लेकिन इट्स हॉरिफिक, बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी है. तो जी आपने देखा कि अगर अभी भी आपको बात समझ में नहीं आ रही तो फिर पता नहीं आपको कौन ये बात समझाएगा. नादी जी थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड कमिंग हियर ऑन द मजेदार शो. आदि भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस जाने से पहले आपसे पहेली पूछना चाहता हूँ. हम हर गेस्ट से आखिर में पहेली पूछ रहे हैं, ये आज ही हुआ है तो आपने इसका जवाब देना, और ये असली पहेली है, ठीक है? हाँ जी. पतली है टांगे निकलती है रोशनी. वाह वाह वाह. पतली है टांगे निकलती है रोशनी, जागो तो जागती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? पतली पता नहीं दोबारा रिपीट कर पाएगा भी ये नहीं कर पाएगा. क्या हो गया भाई? पतली टांगे तो यहाँ आधी पतली है टांगे, पतली है टांगे निकलती है रोशनी, जागो तो जगाओ, बताओ मैं कौन हूँ? टांगों से रोशनी निकल रही है. नहीं 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 ये अब आप तो पहुंच जाएंगे. वापस से पूछता हूँ. पतली है टांगे निकलती है रोशनी, जागो तो जगाओ, बताओ मैं कौन हूँ? बल. नहीं जी मैं आदि हूँ. अच्छा तुमने सवाल कुछ और पूछा और बताओ मैं कौन हूँ? मैं आदि हूँ ना. पतली टांगे नहीं, उसने कहा पहेली अलग है और एंड में पूछा कि बताओ मैं कौन? बताओ मैं कौन? हाँ मैं तो आदि हूँ. व्हाट अ रिडिकुलस जोक. हॉरिबल. चीप था, बहुत गिरावट मजाक है. और जैसे जी मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि आज जश्न आजादी का जो दिन है वो मना रहे हैं, अगर आप उसके हवाले से कुछ कहना चाहें, और मैं चाहूंगा कि एंड में आप वो हैप्पी टू यू पाकिस्तान भी कर दें तो जरा और मजा आ जाएगा, लेकिन पहले आपका मैसेज बहुत जरूरी है. अच्छा बचपन से हम 14 अगस्त मना रहे, एक लगता था बस एक रूटीन सी है, 14 अगस्त होगा स्कूल में स्पेशल क्या कहते हैं असेंबलीज होंगी, डिबेट्स होंगी, एक चीज़ चलती जा रही है सालों.
लेकिन मुझे उसकी इतनी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा नहीं था जब मैंने वो मुल्क देखे, मैंने पैलेस्टाइन का हाल देखा अपने सामने, कैसे डिटीरिएट होता ही गया सिचुएशन। और मुझे अब लगता है कि जो चीज़ हम फॉर ग्रांटेड लेते थे, उनमें से बहुत बड़ी चीज़ हमने अपनी मुल्क, अपनी आज़ादी, अपने पासपोर्ट को फॉर ग्रांटेड लिया हमेशा। और अब मुझे एहसास होता है कि कितनी बड़ी नेमत है यार, हमारा अपना मुल्क है, आज़ादी से अपना मज़हब प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई सेकंड थर्ड रेट माइनॉरिटी कुछ नहीं है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क है, सब यहाँ बराबर है, एंड वी हैव समथिंग टू सेलिब्रेट। ये इतनी बड़ी पावर है आज के टाइम पे, मैं आप सोच नहीं सकते हैं कि आपका मुल्क हो, वो आज़ाद हो, और लाइक आई सेड के रिलीजन आप अपना आज़ादी से प्रैक्टिस कर सकें, और माशाल्लाह ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए जब भी कोई गलती करें, कुछ फजूल अपने मुल्क के बारे में कोई गलत बात सोच लें कि कितना आप कुछ भी नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी नहीं, आपके पास वो पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं, यू आर नथिंग। इवन वो लोग जो बाहर सेटल हो जाते हैं और समझते हैं कि जी अब हम अमेरिकन हो गए, हम ब्रिटिश हो गए, बल्कि मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम ब्रिटिश हो गए, ठीक है जी, हम कैनेडियन हो गए, एक गलती, एक गड़बड़ में फंसे और पीछे से वो निकालते हैं पाकिस्तानी। बिल्कुल Absolutely. अब वो कहेगा बंदा कि मैं तो कहीं पाकिस्तान नहीं गया, मेरे माँ बाप यहाँ सेटल। आप सालों साल कहीं भी सेटल हो जाएं, आपकी जो आपका जो मुल्क है ना, वो आपका वही रहता है, जो ओरिजिनल आपका ओरिजिनलिटी, जो भी आपके ओरिजिनल रूट्स हैं, तो इसको हल्का नहीं लें। अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाएं, चाहे आप दुनिया में कहीं रहते हैं, यू विल ऑलवेज बी पाकिस्तानी। और कुछ लोग मुझे लगता है जैसे एकदम डिटैच हो गए मुल्क से, क्योंकि हम बाहर रहे हैं, वहाँ पैदा हुए हैं, वहाँ ये थे, हम तो जाते ही नहीं, या चले गए तो भूल गए। बहुत गलत बात है, यू विल बी पाकिस्तानी वेर एवर यू गो, और इस चीज़ पे प्राइड होना चाहिए, हमें प्राउड फील करना चाहिए। माशाल्लाह, आई एम वेरी प्राउड। दैट इज़ सच अ वंडरफुल मैसेज। प्लीज़ इस बात को समझो कि इस नेमत को फॉर ग्रांटेड ना लें। बहुत सारे लोग जो अब दर बदर हो चुके हैं, जिनके पास अपने मुल्क नहीं है या आज़ादी नहीं है, वो बेचारे बहुत इस बात की अहमियत को उनको अब अंदाज़ा होता है कि जी अपना मुल्क हो, अपनी आज़ादी हो, तो कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। मैं भी थैंक यू करना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया। मैंने इसलिए फैज़ान को फेवर किया, उस वक्त मैं फैज़ान से पहले मिली, उसकी बेगम से मिली, उसकी बहन से मिली हूँ, तो हमारा ना थोड़ा पुराना हो गया है रिश्ता। ये इन्होंने बड़ा आसानी से बैलेंस कर दिया। आदि को मैं बहुत अच्छे से टीवी पे देख रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा क्यूट सा। आज मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ, अगले शो में आऊंगी ना मैं, तो मैं फेवर करूँगी। बिल्कुल इंशाल्लाह आऊंगी, बट एक कुछ लोग शोज के नाम होते हैं जो उनकी थीम पे नहीं जा रहे होते, वैसा होता नहीं है, बट ये वाकई मजेदार शो है, मस्त से, लॉट ऑफ फन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। एक दफा अगर आप वो हैप्पी टू यू पाकिस्तान कर दें जल्दी से, 1 2 3 गो। और ये था जी आज का हमारा द मजेदार शो। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं आसिम, जो कि हमें एक और जबरदस्त मिली नगमा सुनाएंगे, इस वजह से क्योंकि आज हम 14 अगस्त का शो मना रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द मजेदार शो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये शो पसंद आएगा। कल जो एक और शो आएगा वो भी आप जरूर देखिएगा, और अगले हफ्ते यकीनन आप ट्यून इन करेंगे टू दिस अमेजिंग शो। ऑल योर्स आसिम, थैंक यू सो मच। जज्बा जनू तो हिम्मत न हार, जुस्त जो जो करे वो छुबे आजमा, मेहनत अपनी होती पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, जब तक है दम में दम,
का जनू हूँ तो हिम्मत ना चुस्त जूझो करे वो चुभे आसमां मेहनत अपनी होठे पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो कुछ है बस यही अपना घर अपने सर जमीन सब कुछ है बस यही इतना तो है हमको यकीन है जज्बा जनों तो हिम्मत ना हारते जो जो करे वो छुए अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबके नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा पाकिस्तान है हमारा पाकिस्तान है तुम्हारा हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असफर अली और मैं इस वक्त मौजूद हूं मज़ेदार शो के सेट पे विद आदि एंड फैजान। आप मुझे देखेंगे इस शो में एज गेस्ट। आई हैड अ ब्रिलियंट टाइम, आई होप यू गाइस विल लाइक इट। मज़ेदार मज़ेदार मज़े मज़े मज़ेदार मज़ेदार मज़ेदार